हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग? का मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं आज जा रहा हूँ कहीं और टूर पे, तो वहाँ भी एक डॉग है, किसी ने डॉग बताया, तो जा रहे हैं उसको देखने आज। तो ये है गांव का नज़ारा हमारे उत्तराखंड का, और साथ में एक भाई जा रहा है, देखते हैं गाइस वहाँ जाके डॉग वाले के पास जाके मिलते हैं, जो अच्छा डॉग होगा तो आपको वीडियो में दिखाएंगे। भाई देखिए हम कितना दूर पहुँचे हुए आज। आज हम एक नए डॉग की खोज में जा रहे हैं, जो यहाँ पे किसी ने बता रखा है। यहाँ पे डॉग है एक, उसको भी दिखाएंगे हम वीडियो में आपको, तो बने रहे वीडियो में। तो दोस्तों मैं पहुँच गया वहाँ जहाँ मैं बता रहा था आपको कि मैं जा रहा हूँ भोटिया डॉग देखने के लिए। ये भौंक रहा है, यह है बाण गद्दी, यहाँ पे अभी आपको दिखाऊंगा मैं। हमको देख के भौंक रहा है, तो देखो गाइस हम यहाँ से आए नीचे से, काफ़ी दूर चला चल के आए पैदल, और फाइनली हम पहुँच गए उनके घर। तो देखते हैं तो इनके घर के नज़ारा यहाँ का कितने अच्छे, पहाड़ों के बीच में है। और ये लोग पहले से ही भूटे डॉग पालते हैं, ये लोग भोटिया डॉग के बहुत शौकीन हैं। ताकि तो ये आ गया भोटिया डॉग, ये है जो बाण गद्दी, ये है वो, ये है वो। ताकि ये जा रहा है घर, ये वो बाण गद्दी। तो यहाँ इनके घर पहुँच गए फाइनल हम। तो ये है इनका घर, पहुंच गए इनके घर में। ये देखिए अपने घर पे आ चुका है, ये देखिए ठीक है, बाउंड डॉग अच्छी क्वालिटी का है, 20 पंजे वाला है, हेड साइज भी ठीक है इसका। ताकि वैसे है डॉग बाण डॉग, तो गए यहाँ पे मकान वाले कोई नहीं है घर पे, तो हम आ रखे यहाँ। ये कितना एक्टिव है डॉग, क्योंकि अब कितना सुनसान घर है अकेले यहाँ जंगल में। ये तीन का डॉग है ये, पहुँच गया इनके घर में, इनका मकान है। पहुंच चुके आज ये बाण गद्दी, यहाँ घर पर कोई नहीं है इस टाइम, सारे अपने अपने काम पे इधर जा रखे हैं गाय बकरियों के साथ। ये घर पे छोड़ रखा गार्डिंग के लिए अकेला, तो ये गार्डिंग कर रहा है अपनी छत पर बैठा हुआ है। यहाँ पे इन्होंने ये कैद डाल रखे हैं, और इनका ये मकान है। यहाँ पे इतना घना घोर जंगल में अकेला है,